दरअसल झारखंड की जमीन गर्म है, राजनीति झारखंड की गर्म होती जा रही है। जैसे जैसे मौसम अपना पारा बदल रहा है, मौसम का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे झारखंड की राजनीति भी ऊपर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस दावा करती है कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं उसी गठबंधन का घटक दल, मजबूत घटक दल जो फिलहाल सत्ता चला रही है, झामुमो दावा करता है कि नहीं, ये किसने कहा 7-5 का आंकड़ा होगा, हम फिक्स करेंगे कि किस आंकड़े पर कौन चुनाव लड़े। आरजेडी के अलग सुरताल हैं, आरजेडी कह रहा है पलामू और चतरा दोनों सीटें चाहिए, लेकिन लेफ्ट इस बीच में बैठा हुआ है चुपचाप से। लेफ्ट को दरअसल सिर्फ कोडरमा चाहिए लड़ने के लिए, और लेफ्ट से विधायक विनोद सिंह संभवतः कोडरमा से चुनाव में उतरेंगे अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ आईएनडीआईए गठबंधन में। लेकिन इन तमाम कयासों के बीच गिरिडीह का एक कद्दावर नाम हुआ करते थे, कभी भाजपा के सांसद रहे हैं, रविंद्र पांडे। रविंद्र पांडे आज दिल्ली में देखे गए गुलाम अहमद मीर के पास। गुलाम अहमद मीर से रविंद्र पांडे मिलकर निकल ही रहे थे कि तब तक सुबोध कांत सहाय भी पहुंच गए वहां मिलने के लिए। इसका मतलब है कि रांची लोकसभा सीट पर छेड़छाड़ का माहौल बना हुआ था, और डैमेज कंट्रोल के लिए सुबोध कांत खुद वहां पर पहुंच गए, क्योंकि उसके पहले रांची लोकसभा सीट के लिए रामटहल चौधरी ने दावेदारी ठोक दी थी और सुबह ही जाकर गुलाम अहमद मीर से मिल लिए थे। बाद में रविंद्र पांडे के साथ सुबोध कांत सहाय ने जाकर गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की। इन लोगों की मुलाकात खत्म भी नहीं हुई थी कि चतरा से नागमणि साहब पहुंच गए। नागमणि पूर्व सांसद रह चुके हैं और वो चतरा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। अब चतरा से अगर नागमणि लड़ेंगे तो फिर आरजेडी कहां से लड़ेगी, क्योंकि पलामू से भी कांग्रेस मन बना रहा है प्रभात भुइयां को चुनाव लड़ाने के लिए। निश्चित तौर पर मामला उलझा हुआ है, लेकिन इस उलझन के बीच देर शाम सुप्रियो भट्टाचार्य झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने जो बयान दिया उसने और हैरत में डाल दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बयान दे डाला कि 7-5-1-1 का आंकड़ा किसने जारी किया, मैं सब जगह देख रहा हूं और मैं या पार्टी इससे सहमत है या नहीं बाद में बताएंगे, जीत की गारंटी पर ही सीट मिलेगी। अब कौन जीत की गारंटी ले सकता है एनडीए गठबंधन में, यह देखना दिलचस्प होगा। देखिए यह रिपोर्ट। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच, कांग्रेस ने कहा 7-5-1-1 का फॉर्मूला फाइनल। कोई पेच नहीं है, क्रिस्टल का तरफ साफ है, आप जानते हैं 7-5-1-1। आप कांग्रेस 7-5-1-1। ऐसा नहीं होता है, मिलके बातें होती है। हम लोगों ने अपनी भावना से उनको अवगत करा दिया है, 2-2 बार हम लोग औपचारिक तौर पर बैठे थे और सीट टू सीट बात हुई थी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेंच फंस गया है। कांग्रेस का दावा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। 7 सीटों पर कांग्रेस, 5 पर जेएमएम लड़ेगा चुनाव, 1 सीट पर आरजेडी, माले के हिस्से 1 सीट, राजमहल, दुमका, गिरिडीह, सिंहभूम और जमशेदपुर में जेएमएम लड़ेगा चुनाव, कोडरमा सीट पर माले, पलामू या चतरा सीट पर आरजेडी लड़ेगा चुनाव, गोटा, धनबाद, लोहरदगा, खूंटी, रांची, हजारीबाग में कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, चतरा या पलामू में से किसी 1 सीट पर कांग्रेस का होगा उम्मीदवार। लेकिन कांग्रेस के दावे पर जेएमएम ने असहमति जताई है। जेएमएम ने कहा है कि सीट नहीं जीत की गारंटी हो फॉर्मूला। ईमानदारी से जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए आप फैसला लीजिए, आपका फैसला स्वागत का होगा, लेकिन उस फैसले में ऐसा कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं इस जो महासमर है उसमें व्यवधान पैदा करे। हम लोग एक बात बार बार कहते हैं, सीट नहीं जीत गारंटी। न सिर्फ सीट बंटवारे पर पेंच फंसा है बल्कि जेएमएम और कांग्रेस में लोहरदगा सीट पर भी तलवार खिंच गई है। जेएमएम ने लोहरदगा सीट पर दावा ठोका है, लेकिन जेएमएम के इस दावे पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस लोहरदगा में 2 दशकों में कभी जीत नहीं पाई, तो आप मेरा संकेत भी समझ ही रहे होंगे। कांग्रेस को इस बात से वाकिफ होना ही चाहिए। जनता स्थिति में नहीं। लोहरदगा सीट पर कांग्रेस और जेएमएम में पेच है, तो पलामू और चतरा सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच विवाद नहीं सुलझा है। पलामू और चतरा सीट पर आरजेडी ने दावा ठोका है,
चतरा से सत्यानंद भोक्ता, जबकि पलामू से ममता भुइया लालटेन जलाने की तैयारी में। जबकि कांग्रेस के फॉर्मूले के मुताबिक सिर्फ आरजेडी के हिस्से एक सीट है। चतरा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर न सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जोर लगा रहे हैं, बल्कि झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी भी दावेदारी जताई है। हमने तो चतरा से ही आवेदन दिया है, चतरा से चुनाव लड़ने के लिए, और वो आवेदन पार्टी के पास पेंडिंग है। यदि पार्टी जो निर्णय लेगी उसका हम लोग स्वागत करेंगे। न सिर्फ गठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच है, बल्कि रांची और धनबाद सीट पर कांग्रेस के दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है। रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और मुकुल वासनिक से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो जल्द राम टहल चौधरी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, जबकि अब तक सुबोध कांत सहाय रांची से उम्मीदवार के मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। चार दशक से रांची में एज ए वर्कर, एज ए लीडर, एज व्हाट एवर यू से, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ झारखंड में। अब होप करता हूँ कि आजकल में फैसला कुछ हो जाए तो फिर। न सिर्फ रांची, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे ने मुकुल वासनिक से मुलाकात कर गिरिडीह और धनबाद सीट पर भी सस्पेंस बढ़ा दिया है। गिरिडीह से 5 बार के सांसद रहे रविंद्र पांडे फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, लेकिन एनडीए में गिरिडीह सीट आजसू के खाते में चली गई है, जबकि धनबाद सीट से बीजेपी ने ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया। सूत्रों के माने तो रविंद्र पांडे कांग्रेस के टिकट पर धनबाद या गिरिडीह सीट से टिकट चाहते हैं, जबकि धनबाद सीट पर पहले से ही कांग्रेस की कई दावेदार हैं। दावेदारों में कुमार गौरव के साथ विधायक अनूप सिंह की पत्नी के भी नाम शामिल हैं। वहीं गोड्डा सीट पर इरफान अंसारी अपने पिता के लिए बैटिंग करने में जुटे हैं। आवश्यकता है ऐसे कैंडिडेट की आज के डेट में, जो जिसके पास जनता जाने से डरे नहीं, भयभीत ना हो, लोगों से लोग उनसे मिल सकें, अपने जनप्रतिनिधि से बात कर सकें, अपनी बातों को रख सकें, अपने विचारों को रख सकें, तो ऐसे जनप्रतिनिधि की आज आवश्यकता है धनबाद को। और मेरे ख्याल से कांग्रेस परिवार ऐसा व्यक्ति ज़रूर देगा। राजेंद्र सिंह का परिवार भी है? बिल्कुल ज़रूर है, अगर कांग्रेस ने चाहा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। कांग्रेस बीजेपी रविंद्र पांडे के कांग्रेस नेताओं मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसा है। टिकट के मुंह में ही गया, टिकट पाने के इच्छा में ही गया है। बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी से पार्टी छोड़ने वाले लोगों का संख्या कम होती है। एनडीए में सब कुछ साफ है, सीट शेयरिंग फाइनल है। बीजेपी के सभी उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, जबकि महागठबंधन अब भी सीट शेयरिंग का पेच सुलझाने में जुटा है। न्यूज 11 भारत के लिए दिल्ली से भावना और अमर के साथ, रांची से राकेश, विपिन और राजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सारी रिपोर्ट आपने देखी, आज की तमाम हलचल हमने आपको दिखाई, हमने रांची से लेकर दिल्ली तक दिखाया आपको कि सत्ता के गलियारे में आज हो क्या रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, एनडीए क्या कर रहा है। सबसे पहले जुड़ते अपने सहयोगियों के साथ, हमारे साथ धनबाद से अरुण वर्णवाल साहब जुड़ रहे हैं और रांची से न्यूज रूम से हमारे साथ विपिन जुड़ रहे हैं। विपिन, पहला आप ही से सवाल, आलमगीर आलम ने जो बयान दिया था, आलमगीर आलम काफी वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ है, उन्होंने कहा था 7-5-1-1 का आंकड़ा फाइनल है, कंफर्म है। आज झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने उसी का खंडन कर दिया, उन्होंने कह डाला ये किसने कहा है, बैठकर बात होता है, ऐसे कोई बात नहीं होती, ऐसे कुछ नहीं चलता, बैठेंगे उसके बाद फाइनल होगा। लोहरदगा सीट पे निशाना लगा रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। विपिन, हाँ विपिन, आलमगीर जी, आलमगीर आलम साहब ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था 7-5-1-1 के फॉर्मूले पर आईएनडीआईए गठबंधन चुनाव लड़ेगा, चीजें स्पष्ट हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हम जल्द कर देंगे। आज झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने ही उसका खंडन कर दिया, उन्होंने कह दिया कौन बोल रहा है 7-5-1-1 पर सहमति बन गई है, जब तक बात नहीं होगी तब तक सहमति कैसे बनेगी, लोहरदगा पर निशाना साध रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, तो आईएनडीआईए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा क्या? जी देखिए, लगभग चीज़ें स्पष्ट है और कई बार कुछ बयान के पीछे का भी कई मतलब होता है, कार्यकर्ताओं को साधना होता है, विधायकों को साधना होता है, इस लिहाज से इस बयान को आप किसी भी सूरत में देख सकते हैं। जहां तक बात है कि जब कांग्रेस विधायक दल के नेता ने एक नहीं कम से कम 3 मरतबा इस बात को कहा है ऑन रिकॉर्ड कि 7-5-1-1 का फॉर्मूला होगा, लगभग ये तय माना जा रहा है, क्योंकि फिर से बात वहीं पर आएगी, जैसे अगर बात लोहरदगा की झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से की जाए
आ रही है, तो जितनी जानकारी कांग्रेस के हवाले से मिल रही है, तो कांग्रेसियों का ये कहना है कि हमने बहुत कंप्रोमाइज किया है, राज्यसभा की 3 सीटें छोड़ी हैं। अब जब बात अगर आ रही है तो हमने चाईबासा जैसी अपनी सीटें छोड़ी हैं, क्योंकि जब गठबंधन ये हुआ था पिछली बार विधानसभा के चुनाव के वक्त, तो उस वक्त का जो फॉर्मूला था कि जिस सीट पर जो जीता था या जिस सीट पर जो दूसरे नंबर पर रहा था उसको ग्राउंड बनाकर विधानसभा में टिकटें बंटी थी। लोकसभा में पिछली बार यह तय पहले ही से था कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा लीड करेगा, और उसी फॉर्मूले में विधानसभा का भी चुनाव लड़ा गया, पिछली बार लोकसभा का भी चुनाव लड़ा गया, सरकार आई और उसी अनुरूप मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई। लेकिन अब कांग्रेस के लोगों का कहना है कि चाईबासा हमने दे दिया है लेकिन लोहरदगा पर समझौता नहीं होगा, और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की बातें होती है तो शीर्ष नेतृत्व उस पर निर्णय लेता है। ये जरूर है कि जो कांग्रेस की अलायंस कमेटी है जिसने नेशन वाइड जो अलायंस होनी थी उसको लेकर विभिन्न घटक दल जो सहयोगी है कांग्रेस उनके साथ जो बातचीत हुई थी उसमें उस बैठक में चंपई सोरेन, सुप्रियो भट्टाचार्य की भी मौजूदगी थी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विधायक दल के नेताओं के नेता की भी मौजूदगी थी और लगभग कई हद तक बातें हो गई है। और क्योंकि जिस तरीके से आज जिन 4 सीटों पर कांग्रेस के सीईसी में चर्चा हुई है उसमें एक नाम लोहरदगा का भी है, इसलिए आज से इस बयान से बहुत कुछ इसका उल्टा परिणाम गठबंधन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्पष्ट तौर पर बातें हैं कि जितनी जरूरत झारखंड की राजनीति में कांग्रेस को झारखंड मुक्ति मोर्चा की है उतनी जरूरत झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी कांग्रेस की है, क्योंकि 2014 में सरकार में रहते दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़कर देखा था परिणाम क्या आया था। तो इसलिए आज से थोड़ी बहुत बातें जरूर होती है, जब तक अंतिम निर्णय नहीं होगा हर राजनीतिक दल दावा जरूर करेगा कि इन सीटों पर उनका अधिकार बनता है, क्योंकि अगर पिछले बार का आंकड़ा भी देखे अभिषेक तो लोहरदगा का कांग्रेस 10,000 के अंतर से हारी है, जिसे कम से कम लोकसभा जैसे चुनाव में बहुत बड़ा मार्जिन नहीं कहा जाएगा। और इससे पहले की भी अगर बात करें तो 2009 में भी लोहरदगा का कांग्रेस 6500 के आसपास हारी थी, 2014 में भी ये आंकड़ा लगभग 6200-6600 के आसपास रहा था, तो काफी नैरो मुकाबले में कांग्रेस जो है वो लोहरदगा में पीछे 3 चुनाव में हारी है। 2004 में रामेश्वर उरांव जब वित्त मंत्री राज्य के वो यहां से जीते थे और 9 और 14 में उनको शिकस्त हासिल हुई थी, और पिछली बार सुखदेव भगत कांग्रेस के सिंबल पर लड़े थे और 10,000 से उनको हार का सामना करना पड़ा था, और वो भी सिर्फ लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से उनका जो डिफिसिट था वो तकरीबन 11,000 वोटों का रहा था। निश्चित तौर पर विपिन, सुखदेव भगत एक लोकप्रिय नाम है लोहरदगा के लिए और बहुत कम न्यूनतम वोट 10,000 वोट से करीब करीब उनकी हार हुई थी, बावजूद इसके लोहरदगा पर जीत अभी तक कायम है। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि जिस स्थिति में कांग्रेस है उसी स्थिति में कमो बेस जेएमएम भी है, लेकिन जेएमएम के साथ बस एक फायदा है कि आवश्यकता पड़ने पर पॉलिटिकल करवट किसी भी तरफ बदल सकती है, कांग्रेस के पास ये फायदा नहीं है, कांग्रेस के पास ये विकल्प नहीं है। हाँ ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव में जेएमएम को कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही अनुसरण करना पड़ेगा। एक बार रुक करते हैं अरुण भंडवाल का, हमारे साथ धनबाद से जुड़े हैं अरुण। अरुण, बेरमो विधायक अनूप सिंह ने दावा किया था कि टिकट उनको मिल रहा था, पार्टी चाहती थी कि बेरमो विधायक अनूप सिंह चुनाव में उतरें, लेकिन वो विधायक हैं, बेरमो अपने क्षेत्र से विधायक हैं, फिलहाल नहीं लड़ सकते और उनकी इच्छा है कि उनकी पत्नी लड़े। ऐसे में आज भाजपा के सांसद रविंदर पांडे दिल्ली पहुंच जाते हैं और कयास लगाए जा रहे हैं, जोरदार चर्चा है कि धनबाद के लिए रविंदर पांडे तैयार हैं और धनबाद के लिए रविंदर पांडे टिकट के लिए आए हैं, कई तरह के तालमेल लगाए जा रहे हैं, कई तरह के आंकड़े बताए जा रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि जो जातीय समीकरण कह रहा है बेरमो का, माफ कीजिएगा धनबाद का, धनबाद लोकसभा क्षेत्र का, वहां ढुल्लू महतो को टिकट मिलने के बाद अगर रविंदर पांडे को टिकट मिलता है तो काफी मजबूती आ सकती है रविंदर पांडे को, ऐसे में धनबाद का समीकरण क्या होगा अरुण? देखिए अभिषेक, जब रविंदर पांडे की जहां तक बात है तो वो अभी कुछ दिन पहले ही आ गए थे और ये स्पष्ट हो गया था कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे और धनबाद लोकसभा सीट के लिए वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। लेकिन पार्टी ने अब तक, जैसा कि हमारे जो कांग्रेस है उसके जिलाध्यक्ष संतोष सिंह से बात हुई है, तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि रविंदर पांडे को अरुण 2 मिनट आपको रोकना चाहता हूँ, 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीसी की बैठक दिल्ली में समाप्त हो गई है, हमारी सहयोगी भावना के साथ झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस वक्त मौजूद है, दिखाते हैं आपको क्या बता रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। जी बिल्कुल अभिषेक, मेरे साथ जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद है, सीधा उनसे जुड़ लेते हैं। अभी आप लोगों की सीसी में जो है बैठक में चर्चा भी हुई है झारखंड को लेकर, क्या बात रही? देखिए
जब सीईसी होती है तो निश्चित रूप से सभी उम्मीदवारों पर चर्चा होती है, उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है, हमने जो हमारा मंतव्य था वो आलाकमान को बता दिया है और अब उस पर निर्णय लेना है। आलाकमान कब निर्णय लेते हैं उनका उनकी उस पर है विस पे है और हम समझते हैं बहुत जल्द फैसला आपके सामने होगा। सर लगभग पहली लिस्ट झारखंड को लेकर कब जारी हो सकती है? नहीं देखिए एक दो दिनों में हो जानी चाहिए, जिस तरह की बातें हुई हैं और जिस तरह से सारी चर्चा हुई है बहुत जल्द फैसला आपके सामने होगा। झारखंड के दर्शक देख रहे हैं आप लाइव जुड़े हुए, जनता ये भी जानना चाहेगी कि कितनी सीटों को लेकर चर्चा हुई है। जी जी अभिषेक भावना, सीटों को लेकर झामुमो का बड़ा बयान आ गया है। सुप्रियो भट्टाचार्य जो केंद्रीय महासचिव है उन्होंने कह दिया है कि 7-5-1-1 को फॉर्मूले को आखिर किसने बोला है हम नहीं मानते। तो कांग्रेस क्या कहती है, कितने सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ेगी? सीसी की बैठक हो गई, अब तो इतना तो साफ हो चुका होगा। बिल्कुल, अभी सुप्रियो भट्टाचार्य जी का एक बयान आया है कि 7-5-1-1 के फॉर्मूले को हम नहीं मानते हैं। ठीक है, वो अपनी बात कुछ कह रहे होंगे, किसी ने कुछ पूछा होगा, कुछ उन्होंने कह दिया होगा। लगातार माइक मुंह में लगाने से कुछ न कुछ निकल ही जाता है। मैं समझता हूँ कहीं जवान फिसल गई उनकी। नहीं, जवान फिसलने की बात नहीं है, जो पूछने वाले लोग हैं उनके बार बार जो पूछा जाता है उस पर कई बार लोग इरिटेट होकर कह देते हैं कि हाँ हम इस तरह लड़ेंगे, तो वो ना करते हुए सीधी बात है कि जो हमारा समझौता हुआ है वो सारी बातें आपको तक कल तक पहुंच जाएगी। हमें नहीं लगता है कि बहुत विशेष उसमें गहराई में जाने की जरूरत है। सर कई जो लीडर्स है बीजेपी के भी वो भी आज इसी कांग्रेस मुख्यालय में नजर आए हैं, तो उनका भी जो है क्या दावेदारी मानी जाए? देखिए चुनाव के बाद कई जो पूर्व गृह मंत्री होंगे और जो पूर्व कई मंत्री होंगे केंद्र सरकार के वो भी इसी दरवाजे नजर आएंगे। आने वाला समय कांग्रेस का, आने वाला समय आदरणीय राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन कौन सी सीटों को लेकर डिस्कशन हुआ? सभी सीटों पर डिस्कशन हुई है, सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित रूप से नेतृत्व को जो 14 सीटों के बारे में है वो तो अवगत कराना होता है। वो सीटों का दोबारा से आप लोगों को बुलाया गया है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है झारखंड को लेकर। इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, जब वो होगा तो बताएंगे। सर सीटों का आंकड़ा बताएंगे क्या? सीटों का क्या आंकड़ा बताऊं, मैंने कहा ना कि सारी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, 14 सीटों पर हमारे पंचायत से लेके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता लगेंगे, तो इसका मतलब कांग्रेस 14 सीटों पर लड़ेगी। तो चलिए एक तरीके से आप समझिए कि राजेश ठाकुर जी भी जो है इस पूरे मामले को लेकर अभी कोई साफ टिप्पणी करते हुए नजर नहीं आया, बातों को थोड़ा सा गोलमोल क्योंकि उन्होंने कर दिया है। बात बिल्कुल साफ है, हम आपको जानकारी दे दें क्योंकि इसी कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की जो है बैठक होती है और यहाँ पर सभी लीडर पहुंचते हैं और कुल मिला के वो 4 सीटें हैं जिस पर बताया जा रहा है कि बिल्कुल स्पष्ट हो गया है रुख, हजारीबाग है, रांची है, लोअर दग्गा है और खूंटी है। खूंटी पर बताया जा रहा है कि कालीचरण मुंडा जो है वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, रांची से सुबोध कांत साय, तो वहीं अगर हजारीबाग की बात करी जाए तो जयप्रकाश पटेल है और इसी के साथ जेपी पटेल जी ने कहा गया है जिन्होंने थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस मुख्यालय में जो है कांग्रेस का दामन थामा था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा, जो कि हम बिल्कुल जेपी पटेल जिनका नाम भी हम सुबह से जो है जिक्र कर रहे हैं, हजारीबाग से उन्हें उतारा जा सकता है, रांची से लगभग स्पष्ट हो चुका है सुबोध कांत साय का नाम, लोहरदग्गा की अगर आप बात करें तो सुखदेव भगत का नाम चल रहा है, ये वो नाम है जिनका जिक्र जो है लगभग फाइनल बताया जा रहा है। और राजेश ठाकुर ने भी इस बात का जिक्र किया, यहाँ तक कि आलमगीर आलम जो कि सीएलपी लीडर है उन्होंने भी ये बात कही है कि जो चौथे फेज के बाद पहला चरण जो शुरू होगा यानी कि जो झारखंड का चुनावी आगाज होगा उनमें जो पहले चरण में चुनाव होना है जिन सीटों को लेकर उन पर जो है फाइनल बातचीत हो चुकी है। यानी कि आप समझ जाइए कि रांची को लेकर स्पष्ट हो चुका है, लोहरदग्गा को लेकर चीजें साफ हो चुकी है, हजारीबाग सीट को लेकर लगभग चीजें क्लियर है, खूंटी सीट को लेकर लगभग चीजें क्लियर है, लेकिन वहीं आलम से जब हमने बात करी तो उनका कहना है कि 6 सीटों को लेकर डिस्कशन हुआ है। आप ये बात समझिए, राजेश ठाकुर ने जो बात कही उन बातों का जिनका कहना है कि सभी सीटों को लेकर भावना में इसी मैं इसी सवाल पर आ रहा था आपके पास भावना में इसी सवाल पर आपके पास आ रहा था कि आलमगीर आलम शुरू से ये कह रहे हैं 7-5-1-1, आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने उसका खंडन कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कह दिया कि माइक लगाने से बार बार मुंह में आदमी कुछ भी बोल जाता है, हम सुप्रियो भट्टाचार्य की बाइट दिखाएंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य पूरे शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से थे, सारे आगे पीछे ऊपर नीचे सोचकर उन्होंने बयान दिया। हाँ, मैं बरसों से राजेश ठाकुर साहब को जानता हूं लेकिन आज जरूर थोड़ी खींच में दिखे, तो कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ जरूर है राजेश ठाकुर साहब का। पूरे मामले को अगर देखें तो इनके चुनाव लड़ने पर भी कयास लगाया जा रहा था कि धनबाद से राजेश ठाकुर भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में रविंदर पांडे का नाम भी सामने आ गया जो धनबाद से सीट मांग रहे हैं। क्या लगता है भावना, कांग्रेस 29 तारीख तक फैसला कर पाएगी झारखंड के लिए या झारखंड की जनता को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल
देखिए आलमगीर आलम जी से जो हमने बातचीत की है उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि 6 सीटों को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन वहीं जो सोर्सेज से खबर आई है उसमें 4 सीटों का जो है क्लियरिफिकेशन आ चुका है। और ऐसे में आप ये समझिए कि चौथा चरण जैसे ही खत्म होगा और जो झारखंड के लिए पहला चरण होगा जिसमें चुनाव होना है उन सीटों के लिए कहा गया है कि स्पष्टीकरण मिल चुका है। यही बात गुलाम अहमद मीर भी कहते हुए नजर आए हैं। यानी कि आप ये समझिए अभिषेक कि आखिर वो दो कौन सी जो सीटें हैं जिनको लेकर अभी मंथन होना बाकी है। हमने जब इन चीजों के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि अभी और बैठ के होनी है, यानी कि 31 तारीख का वो दिन है जहां आप संभवतः मान सकते हैं कि अगली बैठक हो सकती है झारखंड के परिपेक्ष में। लेकिन अब सवाल अभिषेक यहां पर ये उठता है कि अगर आप आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के खाते में पलामू जाएगी या चतरा आरजेडी को जो है मिलते हुए नजर आएगी। इसको लेकर भी जब हमने आलमगीर आलम से सवाल किया तो उनका ये कहना है कि मुकुल वासनिक जी जो कि नेशनल अलायंस कमेटी के मेंबर है उनकी आवाज पर आरजेडी ने अपना पॉइंट रख दिया है। झारखंड से जो है आरजेडी के जो लीडर है सत्यानंद भोक्ता उन्होंने अपना पक्ष पूरे मामले पर रख दिया है। तो ऐसे में इंतजार कीजिए कि पलामू जो है आरजेडी के पाले में जाती है या चतरा। लेकिन वही एक बात और समझने की बात है यहाँ पर अभिषेक कि दोनों ही सीटों पर आरजेडी चाहती है कि उन्हें मौका मिले, तो क्या यही कारण है कि 6 सीटों को लेकर जो है आज डिस्कशन हुआ है और अभी वो 2 सीटें बाकी है जिन पर डिस्कशन नहीं हुआ है, यानी कि पलामू और चतरा सीट पर। यानी कि मान लिया जाए कि 6 सीटों को लेकर ही जो है कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी और 2 सीटों पर आरजेडी मौका पा सकती है, लेकिन अभी भी ये सिर्फ खबरें हैं। वास्तविकता कितनी है इसको स्पष्टीकरण जो है लगभग आप मानिए 31 तारीख तक मिल जाएगा। तो यही है कि सीएलपी कह रहा है कि हम 7-9 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 1 सीट पर आरजेडी लड़को देंगे, 1 सीट लेफ्ट को देंगे, 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हम 14 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हर जगह कांग्रेस के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता काम करेंगे। अरे आप गठबंधन में है तो निश्चित तौर पर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता आपके काम करेंगे, लेकिन आपके प्रत्याशी झामुमो के प्रत्याशी और राज्य की जनता बाट जो हो रही है और इंतजार करती थक जा रही है। हर दिन नए चेहरे आपके गलियारे में नजर आ रहे हैं, INDIA गठबंधन के गलियारे में नजर आ रहे हैं। आज ही अगर बात करें तो रामटहल चौधरी का चेहरा नजर आता है, रविंदर पांडे का चेहरा नजर आता है, उसके बाद अगर बात करें तो नागमणि जी पहुंच जाते हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, वो अब चाहते हैं कि चतरा से चुनाव लड़ ले। कांग्रेस भीतर घात से कितना बच पाएगी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जितनी देर हो रही है उतनी ही ज्यादा उनके कैडर कहीं ना कहीं बिखरते हुए तो साफ नजर आ रहे हैं। हां यह भी बात जरूर है कि एनडीए में भी भारी बिखराव है, कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेता कद्दावर नेता जिनको 2019 में जिनका टिकट काटा गया, जिनको बेटिकट किया गया, उन्होंने भी अब कांग्रेस का गलियारा थाम लिया है, कांग्रेस के गलियारे पर चलने लगे हैं, सिद्धांत बदलने लगे हैं। जनता इंतजार करेगी कि सिद्धांतों का बदलना दल के बदलने से कब तक जुड़ा रहता है। बहुत धन्यवाद भावना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। एक बार फिर तमाम जानकारियां देखी आपने दिल्ली से लेकर रांची तक। अभी हमारी सहयोगी भावना जुड़ी हुई थी दिल्ली से, सीईसी की बैठक कांग्रेस की तुरंत समाप्त हुई है, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर थे, थोड़े से अच्छे मूड में नहीं दिखाई दिए, जो हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते हैं, थोड़ा सा जरूर मन अस्त व्यस्त है क्योंकि झारखंड की राजनीति भी अस्त व्यस्त है। एक बार फिर चलते हैं अपने सहयोगियों के पास, हमारे साथ धनबाद से अरुण वर्णवाल जुड़े हुए थे। अरुण जी सवाल अधूरा रह गया था, धनबाद के लिए कौन ज्यादा कारगर होगा और पार्टी के लिए कौन ज्यादा हिट होगा, बेरमो विधायक अनुप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह, उनके भाई कुमार गौरव, या फिर अगर बात करें आज भाजपा से खिसक कर जा रहे कांग्रेस में रविंदर पांडे, कौन ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं? देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से कह सकते हैं कांग्रेस के लिए भी आयतित उम्मीदवार ही यहाँ धनबाद में, जो अब तक जो सीन दिख रहा है, जो आयतित उम्मीदवार ही हैं धनबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में दिख रहे हैं, उसमें चाहे अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह हो, कुमार गौरव हो या रविंद्र पांडे हो। रविंद्र पांडे का भी कार्यक्षेत्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र ही रहा है और ये लोग दोनों भी बेरमो विधानसभा क्षेत्र, मतलब गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से ही लोग अपना एक्टिव रहे हैं। एक राजेश ठाकुर का जो नाम आया था, अचानक से राजेश ठाकुर की जो स्थिति है वो डावाडोल है, वो धनबाद से नहीं लड़ेंगे, वो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। तो ये स्थिति बहुत विकट है कहना कि कांग्रेस को इसका कितना लाभ मिलेगा। हालांकि कुमार गौरव जो पूरी तरह से सक्रिय हैं, अनुपमा सिंह जैसा अनूप सिंह खुद सक्रिय हैं तो अपनी जगह वो अपने विधायकी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो अपनी पत्नी को दावेदार बनाना चाह रहे हैं, तो इन दोनों में एक सेटल हो रहा है जो परिवार के बीच में कौन से किसके नाम को आगे किया जाए, प्रमोट आगे किया जाए। तो अभी
लिए उसमें अनुपमा सिंह का नाम आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब जब आज रविंदर पांडे इंट्री ले लिए हैं, कांग्रेस में इंट्री होने वाले हैं और इस शर्त पे कि धनबाद से उसको उनको टिकट मिला जाए, तो ये एक नया पेज खड़ा हो गया है। रविंदर पांडे चूंकि कल तक बीजेपी में थे और बीजेपी से उन्होंने गिरिडीह का संसदीय क्षेत्र भी संभाला था, तो धनबाद से भी बहुत कुछ वाकिफ है, धनबाद भी उनका निरंतर संपर्क में रहा है, तो कांग्रेस के लिए वो भी एक मजबूत स्तंभ साबित हो सकते हैं। लेकिन चूंकि जैसा कि यहाँ सर्वविदित है, धनबाद ये बीजेपी के लिए सेफ सीट माना जाता रहा है, हालांकि इस बार गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से ही आते हैं ढुल्लू महतो, भाजपा बागमारा के विधायक, तो उनको धनबाद का टिकट मिला है, तो इससे थोड़ी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, लेकिन उस नाराजगी को पैच करने के लिए ढुल्लू महतो जिस दिन टिकट की घोषणा हुई उसी दिन से लग गए हैं। पहले ही दिन वो अनाउंसमेंट के दूसरे ही दिन सबसे पहले उन्होंने यहाँ जो सांसद हैं जो राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं इस कोयलांचल के, उनके पास पीएन सिंह के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया और उनका समर्थन मांगा। सांसद पीएन सिंह भी ये कह चुके हैं कि चूंकि वो पार्टी का डिसीजन है और वो उसके साथ हैं, नरेंद्र मोदी का जो सपना है 400 पार उसमें वो अपनी रोल निभाएंगे, इसी तरह वो जो भी प्रमुख नेता हैं बीजेपी के जो उनको ज़रा सा भी लग रहा है जो उनके कैंडिडेट बनने से नाराजगी है वहाँ जाकर वो पैच करने में लगे हुए हैं। धनबाद वो कई बार राउंड ले चुके हैं, आज वो अभी शाम को देर शाम को जो सूचना मिली है वो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में भी कई भाजपा के नेताओं से संपर्क उन्होंने किया और अपनी अपने अपने लिए समर्थन मांगा है और जिसका उन्होंने आश्वासन भी मिला है। जो गिरिडीह से माफ करेंगे निरसा विधानसभा क्षेत्र भी हुआ है, शाम को वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो कह सकते हैं जो परेशानी होगी उनको जो बोला जा रहा था जो वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र उनका कार्य क्षेत्र है और धनबाद में उनको बहुत टफ होगा, वो धीरे धीरे लगता है वो मिटाने के लिए पैच करने के लिए वो दूसरे दिन से ही लग गए और इसमें वो सफल भी होंगे, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता कैंडिडेट कोई भी हो वो सिर्फ मोदी की गारंटी और मोदी का चेहरा देख रहे हैं और उसी के तहत वो काम करेंगे। हालांकि थोड़ी नाराजगी है लेकिन उसको पैच करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी के आला कमान आला नेता जब धनबाद का दौरा करेंगे तो वो लगता है वो नाराजगी भी दूर हो जाएगी, तो बहुत ही कड़े का मुकाबला होगा, लेकिन जो पलड़ा जो भारी अभी तक जो दिख रहा है वो अभी तक बीजेपी का है। कल जब कैंडिडेट का कांग्रेस कैंडिडेट का घोषणा कर देती है तो उसके बाद बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव है तो मोदी की गारंटी ज्यादा काम करती है, जो पिछले चुनावों का यहाँ पर अनुभव रहा है। आज भी 12 सीटों पर पिछले चुनाव में 2019 से 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा, 2 सीटें महज आई आईएनडीआईए के खाते में, उसमें भी एक सीट गीता कोड़ा की सीट फिसल कर चली गई हाथ से इनके, एक सीट राजमहल बचा इनके पास। ऐसे में अब ये 14 सीटों पर दावा कर रहे हैं तो चुनावी गणित है, दावे करने से कोई पीछे नहीं हटेगा, दावा तो किए ही जाएंगे। अभी अभी आपने जो बात कही आयातीत उम्मीदवार, तो एक तरफ रविंदर पांडे है जो पैराशूट लैंडिंग करेंगे, अगर भाजपा से बात करें तो सीधे लैंडिंग कर धनबाद में गिर रहे हैं कांग्रेस के खेमे में, लेकिन जो स्थितियां बता रही हैं जिस तरीके से जेपी पटेल को मांडू का टिकट दिया गया, मांडू वाले सचेतक माफ कीजिएगा भाजपा के सचेतक जेपी पटेल को हजारीबाग से टिकट दिया गया, अगर रविंदर पांडे ने भी कांग्रेस में शामिल होने का मन बना लिया तो कहीं ना कहीं उनको धनबाद या गिरिडीह दोनों में से एक टिकट एक सीट दिया जाएगा। गिरिडीह की सीट जो है वो झामुमो के खाते में है, झामुमो ने ट्रायंगल बना दिया है, लोहरदगा पे भी निशाना साध रही है ताकि किसी भी तरीके से गिरिडीह हमसे ना छूटे। ऐसे में अगर चुनाव लड़ते हैं रविंदर पांडे, 5 बार के सांसद हैं भाजपा से, 2 मिनट अरुण हमारे साथ बने रहिएगा, सीसी की बैठक के बाद गुलाम अहमद मीर ने क्या कहा आपको सुनाते हैं एक बार। कई सीटों को अपने टाइम अलाटमेंट के हिसाब से कई सीटों पर डिटेल चर्चा हुआ, कुछ सीटें फेज के हिसाब से ये कहा गया है कि हम नेक्स्ट मीटिंग में दूसरे तीसरे दिन करेंगे, तो मेरे ख्याल से जितने सीटों पर चर्चा हुआ उसका आज या कल फैसला आ जाएगा। सर कौन कौन सी सीटें थी जिसको लेकर आज चर्चा हुई है? झारखंड की ही सीटें थी सारी, तो जो फेजेस में आप देखेंगे कि पहले फेजेस में आ रहे हैं जो पहले चुनाव होगा तो हाँ उनको प्रायोरिटी पर लिया गया, बाकी जो लेट फेजेस में है तो उसको हो सकता है दूसरी तीसरी मीटिंग में। बैक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, कैंपेन किस तरह से आप लोग आगे ले जाएं, बैक अकाउंट फ्रीज है, वही इनकम टैक्स का भी एक मामला भी, जनता लड़ेगी, हमने तो पहले से कहा है, कोई आज की बात नहीं, जो हमारे कार्यकर्ता है जो हमारे साथ सहानुभूति या सपोर्ट रखती है जनता वो सारे खुल के ये चुनाव लड़ेंगे। हम अकाउंट खोलने का डिमांड तो रखेंगे
मगर उसका मतलब नहीं हम चुनावी प्रोसेस रोकेंगे। सर, आरजेडी दो सीटों पे की डिमांड कर रही है झारखंड में, वो पलामू, उस पे कोई वो तो इनको मुकुल वासनिक जी के पास वो इन्फॉर्मेशन है, मगर हमारे नॉलेज के मुताबिक एक सीट के लिए पहले भी उन्होंने लड़ी है और इस बार भी एक सीट कांग्रेस पार्टी ने अपने कोटे से आरजेडी को साथ लेने के खातिर वो ऑफर रखी है। अब हाँ नहीं, हमने तो उनको कहा दो में से कोई भी सीट, तो अगर उनको पहले के हिसाब से इसमें पलामू में कोई दिक्कत है तो सेकंड ऑप्शन भी उन्होंने दिया है, अदरवाइज एक सीट का ऑफर कांग्रेस पार्टी ने स्टेट यूनिट को भी और यहाँ पर सेंट्रल टीम को भी हमने वो बता दिया। दुमका को लेकर कोई चर्चा हुई थी? अब फैसला क्या होगा, सीटें तो हमारी सारी डिस्कशन में आई, मगर फैसले एक दो इंस्टॉलमेंट्स में आएंगे। आज कुछ सूची आने की उम्मीद है सर? वो तो अब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा ना, तो वो काम तो उनका है। सर, दुमका को लेकर कोई चर्चा हुई, सुनने में आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ से लड़ सकते हैं? अब वो तो उनकी पार्टी फैसला करेगी ना, तो जहाँ पर उनको लड़ने का हिसाब मिला हुआ है तो वहाँ पर वो किसको लड़ाएंगे, किसको कैंडिडेट बनाएंगे, हम अलायंस में जिसको लड़ाएंगे हमारी पार्टी भरपूर मदद करेगी। ठीक है, थैंक यू। सीएलपी तमाम बातें आपने अभी सुनी। गुलाम अहमद मीर ने क्या कहा, 13 मई को झारखंड में पहले चरण का चुनाव होगा। 13 मई को जो चुनाव होने हैं उनमें खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम में चुनाव होना है। यहां जो गंभीर बात है कि पलामू पे मामला फंसा हुआ है आरजेडी के साथ। सिंहभूम में इनकी जो कैंडिडेट थी गीता कोड़ा वो भाजपा में चली गई है और एनडीए ने उनको टिकट दे दिया है सिंहभूम से, तो सिंहभूम जेएमएम मांग रहा है, जेएमएम के खाते में जाएगा कि कांग्रेस वहां से लड़ेगी। सीट शेयरिंग फाइनल बता नहीं रहे, ये भी नहीं बता रहे प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन बार बार कह रहे हैं ऑल इज वेल। लेकिन ये ऑल इज वेल सिर्फ कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के अलावा ना तो जेएमएम ने कभी ऑल इज वेल कहा, ना आरजेडी ने कभी ऑल इज वेल कहा। लेफ्ट खामोश है, उसको एक सीट चाहिए, वो एक सीट वो कहीं ना कहीं से ले लेगा। एक बार फिर रुख करते हैं अपने सहयोगियों का। हमारे साथ अरुण वर्णवाल जुड़े हुए हैं धनबाद से, जमशेदपुर से मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, अभी अभी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पहले चरण में जो जिन सीटों पर चुनाव होना उस पर चर्चा हुई, झारखंड पर ही चर्चा हुई, लेकिन नामों की घोषणा नहीं कर रहे। पहले चरण में खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम में चुनाव होने हैं। सिंहभूम इनकी सीट थी, सिटिंग सीट थी गीता कोड़ा की, गीता कोड़ा फिसल कर चली गई है बीजेपी में, और पलामू में आरजेडी के साथ इनकी जिच कायम है। तो फिर आज की सीसी की बैठक में जो निर्णय निकला उसे जनता के सामने लाने से कतरा क्यों रहे ये बड़े नेता? देखिए, यही तो संशय बरकरार है अभिषेक, चूंकि ये इंडी गठबंधन अभी तक अपने गठबंधन को मजबूती तरीके से फॉलो नहीं कर रही है। कांग्रेस कुछ कह रही है, जेएमएम कुछ कह रहा है, सब दलों के अपने अपनी डबली अपना राग है, तो ऐसी स्थिति में तो ये स्थिति उत्पन्न होनी ही है। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि जेएमएम के महासचिव सुप्रियो दाने का भी कहा है कि वो कांग्रेस अपने स्तर से ही वो घोषणा की है, 7 सीट, 7, 2 और 5 का, उसको वो कतई नहीं मानते हैं और वो फंसा के रखते हैं। तो एक दूसरे को, दोनों दल एक दूसरे को एक दबाव की तहत अपना काम साधना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाना चाहते हैं, और इसी परिस्थिति वश लगता है कांग्रेस जो है अभी अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं कर पा रही है। जबकि कांग्रेस के नेताओं का यह कहना था कि कांग्रेस के पास बहुत अधिक कैंडिडेट है और वो उसी में से जल्द तय करके अपना कैंडिडेट की घोषणा कर देगी, लेकिन जब यह गठबंधन का जो दबाव है उसके कारण यह मामला फंस रहा है, तो देखा जाए ये गठबंधन कब तक सुधरेगा। और कांग्रेस के जो, जैसा कि राजेश ठाकुर की स्थिति बता रहे थे, वो उनकी मनोदशा आज थोड़ी ठीक नहीं दिख रही थी, वो थोड़े उखड़े उखड़े से दिख रहे थे, तो उनको लग रहा है जितनी जल्दी डिक्लेयर हो जाए उतना ज्यादा बेटर हो, ताकि पार्टी के कार्यकर्ता इस महा जो अभियान है लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें अपना योगदान देने अभी से जुट जाए, परंतु ऐसा दिख नहीं पा रहा है कौन होगा कैंडिडेट, पहले इसी संशय में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। दी बिल्कुल अरुण, अभी आपसे बात कर रहे थे गुलाम अहमद मीर साहब के पास जाने से पहले, आपसे जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने आपसे वही पूछा
कि जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, ढुल्लू महतो को भी टिकट मिलने से कहीं ना कहीं भाजपा के कैडर में नाराजगी है, जैसा आपने बताया कि वो लगातार लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं भाजपा में एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा। लेकिन अगर रविंदर पांडे को भी धनबाद से टिकट दे दिया जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में भी कैडर की नाराजगी होगी कि एक तो कांग्रेस के सिपाही नहीं है, कांग्रेस क्या नहीं, जेपी पटेल को लेने के बाद पहले भी थोड़ी बहुत नाराजगी की चर्चाएं सुनने को मिल रही है और उसके बाद चेहरे की भी कमी है। अरुण, अगर बात करें तो लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा होता है दांव उसी पर लगता है, लेकिन INDIA के पास स्पष्ट चेहरा नहीं है अभी तक। देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक कह सकते हैं NDA अब किसी को प्रमोट करके नहीं चल रही है। हालांकि पिछले दिनों खड़गे को आगे किया गया था कि उनके नेतृत्व में पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपने आप को बैकफुट में रखे हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ता जिस तरह आयतित दूसरे दलों के जो नेता शामिल हो रहे हैं और उनको टिकट पार्टी दे रही है, तो इसके लिए थोड़ी सी कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि बुरे समय में जब वो उस पार्टी के साथ हैं, वो सक्षम है कैंडिडेट यहाँ के लोकल कैंडिडेट, स्थानीय कैंडिडेट चुनाव लड़ने को, उसके बावजूद आयतित अगर कैंडिडेट को लड़ाया जा रहा है तो ये कहीं से गले नहीं उतर रहा है। तो कांग्रेस इसको कैसे सॉर्ट आउट कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन थोड़ी परेशानी निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए भी है अगर रविंदर पांडे को टिकट धनबाद से मिलता है तो। भीतरघात का डर कहीं ना कहीं सबको सताएगा अरुण इस चुनाव में, और हमने कई बार देखा भीतरघात ज्यादा हावी हो जाता है, जो एलिजिबल उम्मीदवार होता है, जो जीतने का हकदार होता है, उसको भी पार्टी के लोग ही मिलकर हरा देते हैं। यहां तो लोग दूसरों के नाम पर पैसे भी खर्च कर देते हैं। बने रहिए अरुण हमारे साथ, हमारे साथ मनोज भी जुड़ गए जमशेदपुर से। मनोज, सिंहभूम सीट किसके खेमे में जाएगी, क्योंकि आज तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने कह दिया 7-5-1-1 अभी स्वीकार नहीं है, जब तक बैठकर बात नहीं होगा कुछ भी क्लियर कहना मुश्किल है, और आज ही CEC की बैठक थी, बैठक के ठीक पहले उन्होंने ये कह दिया सिंहभूम सीट कांग्रेस के पास थी जो अब फितल कर JMM के पास जा रही है, और इधर JMM सिंहभूम के साथ साथ लोहरदगा पे भी निशाना साध रहा है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा JMM? मनोज, देखिए निश्चित तौर पे ये पहले जो सीट शेयरिंग हुआ था वो 5 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में था और कांग्रेस के पाले में जो था वो 6 सीट था, लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो सिंहभूम को पहले भी, क्योंकि कोल्हान की बात करें तो कोल्हान के सभी जो विधानसभा क्षेत्र है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में है, एक छोड़कर, एक जो है वो सरजुग राय जो है निर्दलीय प्रत्याशी है, बाकी जितने सीट है पूरे कोल्हान में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में, और यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि कोल्हान का यानी सिंहभूम सीट और जमशेदपुर सीट ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में जाए और विधानसभा के रणनीति के अनुसार ये अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि अभी तक इन लोगों ने अपना प्रत्याशी के नाम का घोषणा नहीं किया गया। सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम में कांग्रेस के का सीट रहा है, कांग्रेस इससे पहले भारतीय जनता पार्टी, और उससे पहले अगर बात करें तो उससे पहले कांग्रेस का यह सीट रहा है, लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां से अपना किस्मत आजमाना चाह रही है और जिस प्रत्याशी का नाम आ रहा है वो प्रत्याशी अगर वो हो समाज से अगर प्रत्याशी होगा तो थोड़ा फैक्टर बन सकता है, क्योंकि सिंहभूम का जो सीट है वो हो समाज के लिए बड़ा आता है, क्योंकि संभावित चेहरा कौन हो सकता है मनोज, संभावित चेहरा कौन हो सकता है सिंहभूम से? देखिए, एक दीपक बिरुआ का नाम चल रहा है और साथ साथ जो एक नंबर में है वो दीपक बिरुआ, और दूसरे तरफ जो है वो जोबा मांझी का नाम पहले से भी चल रहा था, लेकिन अभी जोबा मांझी थोड़ा पीछे दबती हुई नजर आ रही है और दीपक बिरुआ जो है वो उभरता हुआ आ रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है कि वही उसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा जो जीत सकता है, क्योंकि अभी सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि वैसे प्रत्याशी पर दिए दाव लगाएंगे जो निश्चित तौर पर वो मैदान मार सकते हैं। तो ये अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी बड़ी हैरानी की बात है कि कौन उनके पास ऐसा प्रत्याशी है, कि कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो लोकसभा सीट लोकसभा का चुनाव वो लड़ सके। इनके पास जो प्रत्याशी वो विधानसभा में लड़ा है, कई बार जिस प्रत्याशी का नाम आ रहा है दीपक बिरुआ का नाम, दीपक बिरुआ भले ही अपने विधानसभा क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ रही है, लेकिन एक विधानसभा जीतना और एक लोकसभा जीतना दोनों में बड़ा फर्क पड़ता है। मनोज, सवाल मनोज खड़े हो रहे हैं क्योंकि जोबा मांझी मंत्री थी सरकार पार्ट 1 में, जोबा मांझी का नाम कटा मंत्री के पद से, दीपक बिरुआ का नाम आ गया सरकार पार्ट 2 में, तो कहीं ना कहीं जोबा मांझी के लिए कुछ तो सुरक्षित रखा होगा। JMM ने महिला है और महिलाओं का जिस तरीके से पार्टी छोड़कर जाना लगा हुआ है
पहले गीता कोड़ा निकल गई कांग्रेस से, फिर सीता सोरेन गुरु जी की बड़ी बहू, उन्होंने झामुमो को त्याग दिया। अब अगर जोबा मांझी भी बाहर का रास्ता अख्तियार कर लेंगी तो कई सवाल खड़े होने लगेंगे। तो निश्चित तौर पर जोबा मांझी सक्रिय उम्मीदवार है और सशक्त उम्मीदवार मान सकते हैं। दीपक बिरुआ फिलहाल तो मंत्री है, लेकिन यह भी आपका कहना बिल्कुल जायज है कि दीपक बिरुआ का नाम भी इधर कुछ दिनों में काफी तेजी पकड़ चुका है। अब जेएमएम जो है वो कांग्रेस की बात जो रहा है, जब तक कांग्रेस सीटें क्लियर नहीं करता है, कांग्रेस एक एक प्रत्याशी की घोषणा नहीं करती, तब तक जेएमएम भी इंतजार करने को बाध्य है। बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।